हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जैसा कि आपको ये अपनी एक डेली एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं डेली सुबह 5 बजे। बहुत सारे ई न्यूज़पेपर आते हैं, मैं 3 घंटे के अंदर उन सभी को पढ़ता हूँ और आप लोगों के लिए समराइज करके 40 to 45 मिनट में लेके आता हूँ। कभी 50 मिनट भी हो जाते हैं, कभी 40 मिनट भी हो जाता है, और कोशिश यही होती है कि 40 से 45 मिनट के अंदर आपको एक ऐसा सेशन मिले जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ करवाने में बहुत हेल्प करे। बिकॉज ऐसा होता है कि ना तो सही तरीके से आप लोगों को कोई करंट अफेयर की बुक्स मिलती है जहाँ पे समराइज होके हर एक टॉपिक के बारे में हिस्ट्री, प्रेजेंट, साथ में फ्यूचर के अंदर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, या तो ना तो ऐसे अवेलेबल होती है। तो आपके पास में एक कंसोलिडेट कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपको डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करे और साथ में आपको एग्जाम में भी हेल्प करे। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, टॉपिक कवर करते हैं, ये एज इट इज आपको सवाल है जो कि एग्जाम में मिलते हैं। आप इंडिया में चाहे कोई भी एग्जाम है जो कि दे रहे हो, हर जगह पे आपको यही सवाल है जो कि देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा यकीन नहीं होता तो 3 महीने रेगुलर देखिए, आप अपने अंदर भी बदलाव महसूस करेंगे। आप अपने आप को 3 महीने जो पहले थे उससे इस बार वाले 3 महीने में आप बहुत इम्प्रोवाइज वर्जन अपने आप का देखेंगे, और साथ में एग्जाम में आपको ये सारे सवाल है जो कि देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एक्सपेरिमेंट बॉय ने इतनी सारी गुड मॉर्निंग है जो कि यहाँ पे कर दी है। तो गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग अजीत, अविनाश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे बात करें तो आज के हमारे सेशन के अंदर कितने सारे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर के, एक बार देख लेते हैं। तो द हिंदू में आज आपको 5 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, साथ में इंडियन एक्सप्रेस में भी 5 मिलेंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में नहीं है, जनसत्ता के अंदर आपको 1 आर्टिकल मिलेगा, और साथ में बाकी सारे सोर्सेस से भी आपको 5 आर्टिकल मिलेंगे। तो यानी कि नियर बाय 16 आर्टिकल है जो कि हमारे पास में है, जो कि हमें 40 से 45 मिनट के अंदर डिटेल में कवर करनी है, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और अगर आपको करंट अफेयर के नंबर फुल लेके आने हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करवा रहा हूं, आप इसको ज्वाइन करिएगा। साथ में एसएससी की बेस्ट टीम आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीए, जीडी के सारे कोर्सेज है क्लास 24 पे। केवीएस का बैच अवेलेबल है, ईओआरओ का अवेलेबल है, साथ में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और साथ में बायोलॉजी एएलपी एग्जाम के लिए अवेलेबल है। अगर आपको नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो जेआरएफ अड्डा से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, प्रिपरेशन में जाना है, यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं। फेलियर टू अटेम्प्ट इज बिगेस्ट फेलियर ऑफ लाइफ। देखो, जिंदगी में अगर रिस्क नहीं लिया ना तो यही जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है। और कई लोग जो है वो देखते हैं कि एक ऐसा सेफ पाथ है जो कि मिल जाए जहाँ पे कंपटीशन नहीं हो, जहाँ पे सेफ हो, वहाँ से हम लोग जो है वो चले जाएं, जॉब पाले। लेकिन यकीन मानिए, आप पालोगे जॉब लेकिन आप लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो आपको बनना है, हर किसी के लाइफ में अलग एम्बिशन होते हैं और उसी को पाने के लिए इंसान कोशिश करता है, और उसी के बाद में उसको सेटिस्फैक्शन है जो कि मिलता है, है ना। उसके बाद उसके नए जिंदगी में गोल है जो कि डिस्कवर होते हैं। तो अगर आप कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने सक्सेस को लेकर, तो यही सबसे बड़ा फेलियर है। फेलियर एग्जाम में फेल होना नहीं होता, फेलियर होता है उससे डरना, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना, कोशिश ही नहीं करना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। क्योंकि ये आपका एक एटीट्यूड बन जाता है जिंदगी के प्रति। आप हर जगह पे जो है वो इस तरीके से जो है वो कोना ढूंढने की कोशिश करते हो। फेलियर होना एग्जाम देने के बाद तो कोई बात नहीं यार, वो तो आप क्रैक कर लोगे आज नहीं तो कल, लेकिन कोशिश ही नहीं करना, अटेम्प्ट ही नहीं करना, मेहनत ही नहीं करनी, ये आपका एटीट्यूड है जो कि बन जाता है। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो, अगर आप अटेम्प्ट करते हो, कोशिश करते हो, तो ये एटीट्यूड आप पूरी जिंदगी भर लेके चलोगे, तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो मिलेगी मिलेगी, इस फील्ड में नहीं तो इस फील्ड में मिल जाएगी, क्योंकि आपने एटीट्यूड ऐसा डेवलप कर लिया है अपना, मेहनत करने वाला, डेडिकेशन वाला, डिसिप्लिन वाला, है ना। ये एटीट्यूड होता है इंसान का, फाइट मारने वाला, तो ये बिल्ड करना होता है। अरे आपका जो एग्जाम में आप पढ़ते हो या आपकी कोई जॉब में काम थोड़ी ना आता है, कोई काम नहीं आता। आपने जो यूपीएससी में जो सब कुछ पढ़ा होता है, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली वो सब काम आता है? कोई काम नहीं आता। लेकिन सरकार को एक डेडिकेशन वाला और इस तरीके से मेहनत कर जो इस एग्जाम को क्रैक कर सके, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो या फिर आपका कोई एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, वो लोग चाहिए होते हैं जो इतने डेडिकेटेड होते हैं, जो इतनी मेहनत कर सके, मेंटली फिजिकली अपने आप को फिट रखते हुए उस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो यही जर्नी जो होती है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही आपको पूरी जिंदगी भर जिंदगी जो है वो आपकी बनाती है, है ना। उम्मीद करता हूँ आप इस बारे में ध्यान रखोगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं आज के दैनिक के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो मोदी जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री के अंदर 7 वर्कर की जो है वो डेथ हो गई, सांस की कमी आने की वजह से। एक स्लज एडिबल ऑयल का टैंक था, उसको उसके अंदर क्लीन करने के लिए गए थे।
यहाँ पे मनीष सिसोदिया दिल्ली को लेकर है, तो फ्रंट पेज पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी ऐसा खास है जो कि नहीं है, बाकी एडवर्टीजमेंट है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पेज नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च है जो कि किया गया है, आप सभी को मालूम है। तो ये वाला आर्टिकल हमारे लिए जरूरी है। आप सभी को मालूम है कि हमने एक नया स्पेस है जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया था, कौन सा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। ओके, ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, ये एक नई डिस्कवरी है जो कि रिसेंटली करी गई है। मतलब दुनिया में तो क्या है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको काम में ले रही है, लेकिन हमने इसको रिसेंटली स्टार्ट किया। अभी हमारा दूसरा ही लॉन्च है, D2 आप देख सकते हो, दूसरा लॉन्च है हमारा, लेकिन इससे फायदे बहुत सारे हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलूंगा, है ना। देखो सबसे पहले क्या था कि जब हमने, इसरो ने जब शुरुआत करी लॉन्च व्हीकल की, तो हमें सैटेलाइट भेजने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। एक तो लॉन्च पैड, जहां से आप लॉन्च पैड से क्या करते हो, लॉन्च करते हो, समझ गए। तो फर्स्ट तो लॉन्च पैड होता है, जो कि हमारे पास अभी दो है। दूसरा आपको लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है, जैसे कि ये सारे लॉन्च व्हीकल है। और तीसरी सैटेलाइट खुद चाहिए होती है। तो तीन चीजें चाहिए होती है, लॉन्च पैड, लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट, समझ गए। ये लॉन्च व्हीकल है और इसके अंदर सैटेलाइट है जो कि होती है। ये जो टॉप पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, यहां पे सैटेलाइट है जो कि होती है। अब सैटेलाइट को आसमान में ले जाके एस्टेब्लिश करने के लिए ये व्हीकल है जो कि चाहिए होता है। जैसे कि एक व्हीकल आपको अपने घर से ऑफिस पहुंचाता है, इसी तरीके से ये आपको घर से ऑफिस पहुंचाता है, समझ गए। बफरिंग नहीं हो रहा ना, बिल्कुल सही तो चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था तो हमने SLV-3 बनाया था, उसके बाद हमने थोड़ा और एडवांस वर्जन भी बनाया, ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ऑगुमेंटेड, फिर हमारा दोस्तों PSLV बना। PSLV दुनिया का सबसे सस्ता सैटेलाइट लॉन्च करता है और मोस्ट एक्यूरेट है, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ज़्यादा वेट, बड़ी सैटेलाइट है, ज़्यादा वेट वाले नहीं लेके जा सकते। तो PSLV हमने बनाया, बहुत ही अमेजिंग है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर बाद में हमें हैवी सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, बड़ी बड़ी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बड़ी बड़ी। PSLV में नॉर्मली हम लोग मेटालॉजिकल भेजते हैं, कम्युनिकेशन मेजरली हम लोग GSLV से भेजते हैं, है ना, और ये रोटेट होती रहती है। और ये दोनों थ्री स्टेज है, है ना, दोनों थ्री स्टेज है, जैसे कि 1, 2, 3, इस तरीके से थ्री स्टेज इसके अंदर फ्यूल है जो कि यूज होता है। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते पहले ये बूस्टर लेके जाते हैं, साइड वाले बूस्टर है ना, ये लिफ्ट करते हैं, फिर ये अटता है, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर लास्ट में सैटेलाइट एस्टैब्लिश हो जाती है। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो पहले हम लोग बड़ी सैटेलाइट के लिए विदेशी कंपनियों के ऊपर, विदेशी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो फिर हमने खुद नहीं बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, GSLV Mark II। और अभी हमारे पास जो सबसे हैवीएस्ट है, आप साइज से देख सकते हो कितना खतरनाक है, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो 640 टन इसका लिफ्ट ऑफ वेट है, है ना, और पेलोड इसका 4000 केजी तक है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक प्रोपल्जन है जो कि यूज होता है, और इस तरीके से। तो GSLV में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक जो इंजन है, ये भी हमने खुद ने डिजाइन किया था, पहले हमारे पास नहीं था। ये क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर भी काम करता है। तो ये हमारा सिस्टम है जो कि हमने बनाया। अब आप इसमें देखोगे ना, कहीं पर भी सारे बड़ी बड़ी सैटेलाइट वाली है, कहीं पर भी स्मॉल सैटेलाइट का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं है यहाँ पे। और आजकल जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी कॉलेजेस भी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो स्मॉल सैटेलाइट को भेजना प्रेफर करती है लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि उनका काम है जो कि निकल सके। तो हमने भी क्या किया, फोरे किया, और हमने भी क्या कर लिया, हमने भी स्मॉल सैटेलाइट के अंदर है जो कि हम लोग उतर गए। तो इस तरीके से सबसे पहले ऑगुमेंटेड आया सैटेलाइट, ऑगुमेंटेड पोलर GSLV Mark I Mark II, और लास्ट में हमारा GSLV II। इसकी हाइट भी देखिए, 42 मीटर इसकी हाइट है। सबसे पहला वाला जो था उसका 22 मीटर हाइट थी, यानी कि डबल हाइट हो गई हमारी, है ना। थ्री स्टेज फ्यूल यूज करते हैं हम इसके अंदर, और कैपेबिलिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोग मेजरली GSLV के द्वारा हम लोग भेजते हैं, 4,000 से 5,000 केजी वाली सैटेलाइट, समझ गए। अब हमने क्या किया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया। ये भी एक थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर थ्री स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं, और लिक्विड भी इसके अंदर यूज होता है। 2 मीटर इसका डायमीटर है सिर्फ, और 34 मीटर इसकी लेंथ है, और इसका वेट कितना, 120 टन के आसपास है। आप देखिए कि GSLV 440 460 टन तक, ये 120 टन, और इसके अंदर कैपेबिलिटी है 500 केजी तक की सैटेलाइट है, जो कि हम लोग 500 किलोमीटर लेकर जा सकते हैं, समझ गए। अब आ जाइए प्रेजेंट के ऊपर। अब हमने रिसेंटली क्या हुआ है कि हमने
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 से 3 सैटेलाइट है जो कि रिसेंटली हमने भेजी है, समझ गए, और काफी टाइम बाद ये वापस से हमने अपने मिशन है जो कि स्टार्ट करे हैं। तो श्री हरिकोटा से हमने इसको भेजा है। अब इसमें 3 सैटेलाइट कौन सी है, एक तो हमारी खुद की इसरो की है, हम पैसा भी काफी अच्छा कमाते हैं विदेशी कंपनियों के सैटेलाइट को भेज के, ये तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दूसरी वाली एक US की कंपनी है, इसका नाम है एंटारिस, है ना, तो जीनस 1 करके इसकी सैटेलाइट है जो कि हमने भेजी। और तीसरा हमारा एक स्पेस का हमारा एक स्टार्टअप है इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर, स्पेस किड्स का, स्पेस किड्स करके ये कंपनी है, तो इनकी सैटेलाइट है आजादी, आजादी सेट 2। जो फर्स्ट हमारा लॉन्च हुआ था उसमें इसका आजादी सेट 1 था और हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। इस बार हमने वो दोनों तो रखी और साथ में US कंपनी की भी सैटेलाइट है जो कि उनको टेक्नोलॉजी के अंदर मदद करेगी। और ये हमने कितना 450 किलोमीटर अबव है जो कि ये जाके सेटअप करेगी। ठीक है गाइज, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये 156 kg की है। हमारा मिशन क्या है, हम लोग चाहते हैं अर्थ के ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग काम कर सकें और मेट्रोलॉजिकल हमारी चीजें थोड़ी बेहतर हो सके, है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये 10 kg की है, जीनस 1, ये भी स्मार्ट सैटेलाइट मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। और तीसरी आजादी सेट जो है वो 8 kg की है, सिर्फ 8 kg की। इसको 750 गर्ल्स हैं उन्होंने मिलकर जो कि बनाया है, स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई के अंदर है, समझ गए मेरी बात। तो कुल मिला के 500 kg के आसपास का वेट है जो कि ये लेके जा सकती है। हम इसको क्यों इतना प्रिफर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में काम आएगी और ये लॉन्च ऑन डिमांड, आप इसको डिमांड के ऊपर जल्दी से लॉन्च कर सकते हो। पहले वाली PSLV GSLV में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, एफर्ट लगते हैं, कॉस्ट बहुत है ना, इफिशियंसी के साथ करना पड़ता है, इसको आप बहुत इजीली लॉन्च कर सकते हो। तो डिमांड के ऊपर लॉन्च हो सकती है, कॉस्ट इसकी बहुत ही कम है, स्पेस का एक्सेस भी मिल जाता है, इसका टर्न अराउंड टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मल्टीपल सैटेलाइट लेके जा सकते हो और मिनिमम इंफ्रा के साथ में आप इसको लॉन्च कर सकते हो, तो कई सारे बेनिफिट है। इसीलिए हम लोग हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर हम लोगों ने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आते रहते हैं लॉन्च व्हीकल को लेकर, जैसे कि 2018 के सिविल सर्विसेज में आया कि ये देखिए जो मैंने अभी आपको जो बात बोली है ना, वही सारा का सारा सवाल है। PSLV नॉर्मली लॉन्च होता है अर्थ ऑफ द रिसोर्स के लिए, GSLV लॉन्च होता है कम्युनिकेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बोला ही था। सैटेलाइट जो PSLV से लॉन्च होती है वो परमानेंटली फिक्स्ड होती है सेम पोजीशन में स्काई में, अगर आप एक लोकेशन से देखो तो, ऐसा इसके द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो परमानेंटली कभी भी फिक्स नहीं होती है, पहली बात तो ये गलत हो गया। GSLV Mark 3 एक 4-stage लॉन्च व्हीकल है, ये भी गलत हो गया, 4-stage नहीं है, 3-stage है। तो आपका 2nd, 3rd गलत, नंबर 1 सही, तो ये आपका सही आंसर। इस तरीके के बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो कि सिविल सर्विसेज में या किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं। आगे बात करेंगे पेज नंबर 12 की, यहाँ पे दोस्तों काफी सारे नंबर्स हैं जो कि दे रखे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे, तीनों हमारे लिए जरूरी है, तीनों नंबर। सबसे पहले तो आप देखोगे कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने एक डेटा है जो कि दिया। देखो जो भी डेटा राज्यसभा लोकसभा में आता है ना, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ गए, वो हमारे एग्जाम के लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि उसमें सवाल बनते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला ये देखना चाहता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही है, जो सारे काम हो रहे हैं, उसको लेकर आप कितना अवेयर हो, है ना। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि जयशंकर जी ने बताया कि 16 लाख, नियर बाय 16.5 लाख लोगों ने दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप है जो कि छोड़ दी, अगर पिछले 12 साल या 10 साल के बारे में, पिछले 11 सालों के अंदर, तो 2011 से लेकर 2022 तक का डाटा आया जिसमें 16.5 लाख लोगों ने सिटीजनशिप है जो कि इंडिया की छोड़ दी, जिसमें मैक्सिमम सिटीजनशिप जो छोड़ी गई वो दोस्तों 2021 के अंदर, लास्ट 2021 में छोड़ी गई, नियर बाय 2.25 लाख, लास्ट ईयर 2.25 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप है जो कि छोड़ दी। तो यहां पे आप देख सकते हो 2011 के बाद का, 2022 वाला टाइम है, 2021 में तो 1.63 लाख थे, 22 के अंदर 2.25 लाख है, तो 2022 के अंदर यानी कि लास्ट ईयर जो है वो सबसे ज्यादा लोगों ने सिटीजनशिप है जो कि छोड़ी है। ये डाटा है 2011 के बाद से, पहले 1 लाख 1.5 लाख के आसपास था नंबर, अभी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 2022 में नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 2.25 लाख के आसपास पहुंच गया। 135 कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में जहां पे इंडियंस ने सिटीजनशिप है जो कि ले ली,
ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है यार ये। और ये सारे सारे के सारे वो लोग हैं 16 लाख जो कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास में अच्छी स्किल्स है, जिनके पास में काफ़ी अच्छी उन्होंने पढ़ाई करी है, वो देश के लिए बहुत काम आ सकते थे। यहाँ पे नौकरियाँ प्रोड्यूस कर सकते थे, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते थे टेक्नोलॉजी में, साइंस में, डेवलपमेंट में। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से फॉरेन लोग पढ़ने जाते हैं और उसके बाद पैसा इतना लग जाता है कि फिर इंडिया के रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है ना, तो हमारे यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना, अच्छा यहाँ पे इतने स्कोप है जितने की फॉरेन यूनिवर्सिटी में, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी के बाहर जो उनको पीएचडी के अंदर जो वहाँ पे ऑफरिंग होती है या फिर जॉब की ऑफरिंग होती है। तो हमें यहाँ पे बहुत लाइक है, इसी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एक अच्छा इंफ्रा और अच्छी जॉब्स और ये फैसिलिटी देंगे तो इतने लोग नहीं छोड़ेंगे यार। 12 साल में 16 लाख लोगों ने छोड़ दी। मेजरली कारण क्या है, एक तो पढ़ाई है, दूसरा नौकरी और तीसरा कारोबार। ये तीन रीजन की वजह से जो है मैक्सिमम लोग हैं जो कि विदेश में बस रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण है जो कि यहाँ पे बताया गया। सबसे ज्यादा लोग जो है वो कहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग सेटल हो रहे हैं अमेरिका में, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे कनाडा और चौथे नंबर पे इंग्लैंड। ठीक है, अभी तो ऐसा चलता रहा तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल इंडिया हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आईआईटी में लेते हैं लोग पहले तो मेहनत करके, उसके बाद सीधे वहां से यूएस का टिकट। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करें। अब बात करते हैं सिटीजनशिप को लेकर। देखो सिटीजनशिप जो ये इश्यू है ना, ये यूनियन की लिस्ट में आता है। तीन लिस्ट होती है, यूनियन होती है, सेंटर होती है, एक स्टेट होती है और एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। सिटीजनशिप से कोई भी मैटर अगर कोई भी रिलेटेड है, कोई भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट के पास में पावर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सिटीजनशिप जो वर्ड है ना वो डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोस्तों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 5 से 11 जो हमारा पार्ट 2 है संविधान का, उसके हमारे पार्ट आर्टिकल 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं। समझ गए, 1 से 4 तो हमारे हमारे इंडिया को, इंडिया एंड इट्स यूनियन, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, 5 से 11 जो है वो हमारा सिटीजनशिप को डिफाइन करता है, और 12 से दोस्तों फिर हमारे क्या आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आ जाते हैं। समझ गए, चलिए अब देखिए आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप के कमिसमेंट को लेकर, है ना, कि कब से शुरुआत होगी। तो देश की आज़ादी के बाद में 1950, देश के 26 जनवरी 1950 के बाद से दोस्तों लॉ है जो कि हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप का लागू करता है। आर्टिकल 6 जो है वो बात करता है उनके सिटीजनशिप के बारे में जो देश के डिवीजन के टाइम पे पाकिस्तान से इंडिया है। ठीक है, पाक टू इंडिया, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 7 जो बात करता है जो माइग्रेंट थे दोस्तों पाकिस्तान चले गए उनके सिटीजनशिप के बारे में, है ना। आर्टिकल 8 बात करता है उन लोगों के बारे में जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन रहते इंडिया के बाहर हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली एनआरआई कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 की बात करते हैं दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में, पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप, जिन्होंने जानबूझ के जो है वो दूसरे देशों की सिटीजनशिप है जो कि ले ली है। आपको मालूम है ड्यूअल सिटीजनशिप हम लोग अलाउ नहीं करते, अगर आपने दूसरे कंट्री के ले ली तो आपको हमारे कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। आर्टिकल 10 है कि कैसे जो है कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कैसे आपके राइट जो है सिटीजनशिप के कंटिन्यू रहेंगे। और 11 जो है वो है दोस्तों पार्लियामेंट है जो कि इसके ऊपर पूरे लॉ है जो कि रेगुलेट करता है। समझ गए मेरी बात, ये पाकिस्तान से इंडिया और ये कई लोग इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए उनके सिटीजनशिप को लेकर आर्टिकल 7। तो 5 हो गया कमिसमेंट, 6 हो गया जो पाकिस्तान से इंडिया है, 7 हो गया जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, 8 हो गया जो हमारे एनआरआई हैं, 9 हो गए जिन्होंने अपने जानबूझ के वॉलंटरली छोड़ दी, और 10 हो गए उनके कंटिन्यूएशन, और 11 हो गया पार्लियामेंट के पास। तो इस तरीके से 5 से 11। अब हमारी सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है, आपको सिटीजनशिप जो मिलती है ना दोस्तों वो 6 तरीके से मिलती है। समझ गए, कई जगह पे 4 लिखा है, कई जगह पे 5 लिखा है, कई जगह पे 6 लिखा हुआ है, एक ही बात है। आप इसको ब्रांड से याद कर सकते हैं, BRAND, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो आपको बर्थ के थ्रू सिटीजनशिप, इंडिया में पैदा हो गए तो, एक आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर आपको 12 साल हो गए इंडिया में रहते हुए, ठीक है, तो अब तो खैर उसको 7 कर दिया है नया सिटीजनशिप एक्ट के तहत, तो 12 साल है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एक है एक्विजिशन के थ्रू, यानी कि आपने क्या कर लिया है, शादी वादी कर ली इंडिया के अंदर तो आप सिटीजनशिप बन जाओगे, तो ये हो गया। एक नेचुरलाइजेशन
है ना, यहाँ पे आप बहुत टाइम, यहाँ पे आप 12 साल से ज्यादा रह रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, नेचुरली जो है आप यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए कर सकते हो। एक डिसेंट है, आपके इंडिया के बाहर आपका जन्म हुआ हो लेकिन इंडियन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ब्रांड, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और एक है दोस्तों टेरिटरी, अगर आपने कोई जमीनों में ले ली है, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके बाद में भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, है ना। आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट भी हो सकती है अगर कुछ ऐसी हरकत करी है जो कि देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी या फिर सिक्योरिटी को ब्रीच करती है। अगर आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर आपने जानबूझ के आगे से छोड़ दिया है तो भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो तीन तरीके से दोस्तों ये हट भी सकती है, समझ गए। चलिए तो ब्रांड से आप याद कर लेना, ब्रांड वर्ड एक बहुत ही सिंपल है जिससे आप, पांच तरीके हैं ये जिससे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है ना। चलिए इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 आप सभी को मालूम ही है, जहां पे प्रपोज किया गया था कि जो माइनॉरिटीज है इंडिया में, 6 माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है जो हमारे तीन पड़ोसी देशों में रहती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनको हम लोग यहाँ पे इंडिया में अगर 6 साल से ज्यादा हो गए हैं रहते हुए तो उनको सिटीजनशिप दे देंगे। पहले 11 साल था एक्चुअली में, इसको 6 साल कर दिया गया है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों केसेस पेंडिंग को लेकर, कितने केस है जो कि पेंडिंग होंगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, एक आइडिया। सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, नियर बाय 60 लाख केसेस है जो कि पेंडिंग है। अगर सेशन कोर्ट के भी जोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ से ऊपर है जो कि ये नंबर चले जाएगा, ओके। और ये पेंडिंग रहने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है दोस्तों सरकारी जॉब। सरकारी जॉब मतलब अगर जजेस का अपॉइंटमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा हाईकोर्ट होंगे तो फिर क्या होगा, केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इन 60 लाख केसेस में 6 लाख तो पॉलिटिशियन के खिलाफ है और नए हाईकोर्ट बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन है तो वो चाहते नहीं है ज्यादा कोर्ट बने, ज्यादा जजेस बैठे, जजेस बैठेंगे जल्दी केस होंगे, जल्दी केस होंगे तो उनका नंबर भी जल्दी आ जाएगा, ओके। तो हमारे यहाँ पे 60 लाख केसेस है जो कि पेंडिंग है, एक सुनवाई के बाद में दोस्तों काफी टाइम है जो कि लग जाता है, और अगर सिविल मैटर हो तो फिर आप भूल ही जाइए। कई लोग तो इतने चिल्ड आउट होते हैं केसेस का, उनको लोड ही नहीं होता, क्यों, उनको पता है यार कोई बात नहीं चलता रहेगा। तो 60 लाख केसेस है जो कि हमारे यहाँ पे पेंडिंग है दोस्तों 25 हाईकोर्ट के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट के अंदर दी गई है, है ना। 69,000 जिसमें सुप्रीम कोर्ट में है, किरण रिजिजू जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर है आज के टाइम पे, उनके द्वारा दोस्तों ये डाटा है जो कि दिया गया है, ठीक है गाइज। चलिए और 10 लाख केस तो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ही है, ओके। चलिए तो हमारे यहाँ पे देखिए, एक हर एक स्टेट के अंदर एक हाईकोर्ट होता है, जरूरत पड़ने पे 2 राज्यों में भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, जैसे कि गोवा में नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट काम आता है, अंडमान में नहीं है, कलकत्ता आता है, लक्षद्वीप में नहीं है, केरला का काम आता है, समझ गए। इस तरीके से पहला हमारे यहाँ पे 25 हाईकोर्ट है आज के टाइम पे, और सबसे पहला जो हाईकोर्ट बना था वो 1862 के अंदर कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश हुआ था जो कि सबसे पुराना है। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास के अंदर भी कोर्ट है जो कि बनाए गए। जो सबसे नए कोर्ट बने हैं वो आंध्रा और तेलंगाना के अंदर बने हैं, दोनों ही 2019 के अंदर 19 में एस्टैब्लिश करे गए हैं। और हर एक हाईकोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होते हैं और कुछ एक जजेस होते हैं, डिपेंड करता है हर एक राज्य के ऊपर, है ना। प्रेसिडेंट है जो कि अपॉइंटमेंट करते हैं, तो हर राज्य में जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ हाईकोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट में तो फिक्स्ड है लेकिन आपके हाईकोर्ट में फिक्स नहीं होते, है ना। चलिए और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ये सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े भी माने जाते हैं। मद्रास लॉ जर्नल जो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये पहला दोस्तों ऐसा जर्नल था जो किसी कोर्ट के द्वारा बनाया गया। क्वालिफिकेशन जजेस की क्या है, सिटीजन होना जरूरी है किसी भी हाईकोर्ट में, या तो एडवोकेट हो सकता है ना, या फिर जो नीचे वाले कोर्ट है उसमें 10 साल से लॉयर हो सकता है, या नीचे वाले कोर्ट के अंदर जज भी हो सकता है, समझ गए। ये उसका टेन्योर की बात करें तो ओरिजिनली जो रिटायरमेंट एज थी वो पहले 60 साल थी, लेकिन फिर बाद में इसको बढ़ा के 62 कर दिया गया 1963 के अंदर, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 62 है जो कि कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये नंबर 65 है एज, है ना, ठीक है। अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि सर जब भी फैसले आते हैं तो इंसान ही चले जाता है, ठीक है। मंथली कंपाइलेशन वीडियो ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, जितेन इस संडे को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, इस संडे को आपको मंथली कंपाइलेशन दिसंबर और जनवरी का जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं 2014 के बाद में कितनी सैटेलाइट लॉन्च है जो कि हमारे इसरो के द्वारा करी गई। तो ये डाटा दोस्तों हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह जी उनके द्वारा दिया गया कि 353 सैटेलाइट है, फॉरेन सैटेलाइट है जो कि हमने 2014 के बाद में लॉन्च करी है। फॉरेन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन की नहीं बात कर रहे, टोटल बाहरी विदेशी की 353। इससे हम लोगों ने काफी पैसा कमाया, कितना पैसा, 187 मिलियन यूरो है जो कि हमने कमाया है, $39 मिलियन हमने यूएस से कमाया है। तो नियर बाय 200 मतलब काफी अच्छा पैसा है जो कि 2014 के बाद में हमने बाहर के सैटेलाइट को लॉन्च करके कमाया, ये बताया गया। एक नई कंपनी भी बनाई गई है पीएसयू जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। वैसे पहले एंथ्रेक्स थी और अभी एक और लॉन्च किया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, काम लेके आने के लिए फॉरेन कंपनीज के साथ में डिस्कशन करती है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 17 स्पोर्ट्स से। कल इंडिया के लिए काफी अच्छा दिन रहा और यहाँ पे बात करेंगे अश्विन दोस्तों सेकंड फास्टेस्ट है जिन्होंने 450 टेस्ट विकेट से जो कि लिए हैं, सेकंड फास्टेस्ट बॉलर जिन्होंने 450 टेस्ट विकेट लिए हैं, है ना। तो कल 3 विकेट लिए इन्होंने और नंबर वन पे जो है वो मुथैया मुरलीधरन है। मुरलीधरन से डर के एम्पायर अपनी उंगली उठा दे या करते थे, वो अपील इतनी खतरनाक करते थे कि एम्पायर बोला तू ले ले विकेट यार तू डराए मत तू। बहुत ही खतरनाक स्पिनर थे मुथैया मुरलीधरन, को खेलना बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑस्ट्रेलियंस तो पागल ही हो गए थे, मतलब मुथैया मुरलीधरन से इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि इस बंदे को खेले कैसे। तो उन्होंने तो क्या उसके उनके जो है ना स्पिन के एंगल के ऊपर, थ्रो बॉल के ऊपर टेस्टिंग करवाई, बैन करवाया, सारी चीज़ें करी कि ये बंदा खेले नहीं मतलब। लेकिन क्या होता है जब ICC की चेकअप होता है तब तो बॉलर जो बड़े शाने होते हैं, वो जब उनका टेस्ट होता है तब तो वो बॉल जो है वो पूरा आर्म घुमा के करते हैं, लेकिन जब मैचेस हो रहे होते हैं उस टाइम पे फिर वो अपना चेक वाले पे फिर से आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे करते हैं, जैसे कि अफरीदी है, अफरीदी तो फास्ट बॉलर के हमारे भुवनेश्वर कुमार के बराबर बॉल फेंक देता था स्पिनर के नाम पर ठीक है। कई बार भज्जी भी फेंक देते थे जडेजा, आप अगर आप देखोगे जडेजा कई बार तेज फेंकने के लिए हाथ को घुमा लेते हैं इसको। तो ICC का जो रूल है वो 15 डिग्री का है, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए एक्चुअली, समझ गए, इस तरीके से होता है। तो मुरलीधरन ने बहुत खतरनाक बॉलिंग करी है अपने टाइम पे, सेकंड नंबर पे अश्विन है। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस तो यहाँ पे तो आपको ये एकदम ताजमहल जैसा कुछ नजर आ रहा होगा, तो ये मॉस्को के अंदर है दोस्तों, डिस्कशन है जो कि हो रहा है। ये जो सबसे दूर अकेले बैठे हैं पुतिन है और ये बाकी दुनिया के सारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिसमें हमारे अजीत डोवाल भी है। तो ये डेलीगेशन है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा कर रहा है मॉस्को के अंदर, समझ गए। ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के अंदर यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है जो कि पब्लिश करी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स के अंदर जो है ना स्टेपल चेस के अंदर दोस्तों जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनके बारे में बात करी गई है, सोनम है, सोनम और ये उनके फादर है वीर सिंह जी। सोनम 18 साल की है और यूथ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 2000 मीटर स्टेपल चेस के अंदर। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर दोस्तों ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के आसपास जो है वो क्या कर रही है, फूड डिलीवर है जो कि घर पे जा जाके कर रही है। ऐसे दिन क्यों देखने पड़े हमारे इतने बड़े इतने अच्छे एथलीट को जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि फैमिली के अंदर जो है 7 सिबलिंग्स हैं और उसके अंदर 5th है, घर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वहाँ पे फादर जो है एक जो अपने होता है ना ब्रिक जो ईट बनाने की जो भट्टी होती है वहाँ पर काम करते हैं, 300 रुपये पर डे मिलते हैं, 300 रुपये पर डे से पूरा परिवार नहीं चलता है, बहुत ही मुश्किल है पूरा परिवार को चलाना, 4 लोगों का परिवार भी बहुत मुश्किल से चलता है 300 रुपये पर डे में। तो इसकी वजह से इनको भी काम करना पड़ा, खेतों में काम किया, लेकिन जब पता लगा कि यार खुद में टैलेंट है अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स में तो दिल्ली आए। दिल्ली में किसी ने जो है वो डोर टू डोर फूड डिलीवरी वाला जो जॉब है वो लगाया, तो अब अपनी फैमिली को कोविड के टाइम पे इनके फादर की जॉब भी चली गई, तो उसके बाद में खुद काम करती है, घर को हेल्प करती है और साथ में अपने ड्रीम को भी पूरा कर रही है। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार। देखो आप लोगों के पास है ना एक मेजरली मुझे मालूम है 90% लोग आप लोगों में से उनके पास एक ही काम है जो कि अपने करियर बनाने का है। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको परिवार का भी दो वक्त के खाने का भी देखना है, खुद का भी खाने का देखना है, खुद का डाइट का देखना है, उसके बाद में आपको अपनी प्रैक्टिस का देखना है या फिर आपको अपनी पढ़ाई का देखना है ना। लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे जो सच में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपने परिवार को लेकर भी काम कर रहे हैं और अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो सर्कमस्टेंसेस हर किसी के जीवन में अलग अलग होती है, अलग अलग लोग अलग अलग जर्नी में फाइट मार रहे हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी अपने करियर की एक फ़ाइट है तो उसको अवॉइड मत करो, परेशान मत हो, आप कर जाओगे, चिंता मत करो, आपके पास एक ही काम है ना, कर लोगे, कोई बात नहीं। शिवम नहीं हुआ CGL के अंदर, 110 नंबर की कट ऑफ है, काफ़ी कम थी, लेकिन कोई बात नहीं, 4 नंबर से रह गए, कोई दिक्कत नहीं है यार,
और भी एसएससी के एग्जाम आ रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन करो, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पीटी उषा को लेकर बात करेंगे। तो लेजेंडरी एथलीट है और अभी रिसेंटली दोस्तों एमपी भी है, आप सभी को मालूम होगा पीटी उषा जो कि नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में। तो ये फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द अपर हाउस के अंदर जिन्होंने चेयरमैनशिप करी है। तो क्या होता है कि वाइस चेयरमैनशिप के लिए एक पैनल बनता है, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं जो कि अपने वीपी होते हैं, वीपी अगर नहीं हो उस टाइम पे तो जो हमारे डिप्टी चेयरपर्सन जो होते हैं उनका एक पैनल होता है, उनमें से बनते हैं हमेशा। तो उसी के अंदर पीटी उषा को भी सेलेक्ट किया गया था। तो अभी पीटी उषा जो है वो कल जो है उन्होंने राज्यसभा के सदन को जो है वो हेड किया, ओके। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है वो चेयर करे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन जो होते हैं हाउस में उनमें से एक पैनल बनता है, वो संभालते हैं कई बार, तो वो यहां पे चुने गए हैं, ठीक है गाइस। चलिए और काफी अच्छा स्टेटमेंट भी इन्होंने कल दिया ट्वीट करके, ग्रेट पावर इन्वॉल्व्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेट बाय द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना। चलिए पीटी उषा के बारे में उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, मूवी बनने का वेट नहीं करोगे, आपको पहले ही पता होना चाहिए सब कुछ। बहुत ही अमेजिंग एथलीट है और 16th प्रेसिडेंट भी है अभी रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, है ना। अभी एमपी भी बनी है, नॉमिनेटेड मेंबर भी बनी है। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर बहुत ही अमेजिंग इनके अचीवमेंट रहे, 100 मीटर जकार्ता 1985 और 200 मीटर लखनऊ, उसके बाद में 400 मीटर 1985 के अंदर, ठीक है। तो ओलंपिक के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल से 1/100 सेकेंड से रह गई थी, एक सेकेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड का भी 1/100 जो पार्ट है ना उससे इनका ब्रॉन्ज मेडल है जो कि ओलंपिक के अंदर रह गया था, यानी कि फोर्थ नंबर पर रही थी, ओके। बहुत ही अमेजिंग एथलीट है, केरला से बिलोंग करती है, इंडियन रेलवेज के अंदर है, है ना, गोल्डन गर्ल, पायोली एक्सप्रेस, ये इनको नेकनेम में जो कि दे रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं ब्लू टिक की कॉस्ट जो कि इंडिया के अंदर ट्विटर के द्वारा रखी गई है, कई सारे सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा है, तो 900 रुपए कॉस्ट है, मंथली चार्ज है जो कि ट्विटर के ब्लू जो टिक है ना मोबाइल यूजर के लिए और वेब के लिए रखी गई है, मोबाइल के लिए 900 और वेब के लिए 650 रुपए और 6800 रुपए के आसपास टोटल कॉस्ट है जो कि रखी गई है, ठीक है। नॉर्मली ओटीटी प्लेटफॉर्म की 150-200 रुपए, लेकिन एक आपको ब्लू टिक लेने के लिए ट्विटर के ऊपर 600-700-800 रुपए जो कि देने हैं। तो ये रिसेंटली दोस्तों सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है जो कि ट्विटर के द्वारा रोल किया गया है, ठीक है। डिस्काउंट के अंदर 7000 रुपए पर ईयर के आसपास है जो कि ये रहने वाला है। एलन मस्क ने भी दिमाग लगाया है, वैसे उसको मालूम है कि जितने लोग जिनके पास ब्लू टिक है उनके पास पैसे तो है ही है, अरे भाई ब्लू टिक है तो यानी कि पैसे तो उनके पास है, तो उनसे 700 रुपए पर मंथ अगर ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 रुपए 500 रुपए, तो उन्होंने ये रख दिया, ठीक है। आपके मोबाइल फोन की कॉस्ट 400-500 रुपए है, ओटीटी की 150-200 है, फर्क नहीं पड़ता इससे, मतलब यहाँ पे कंपेयर किया गया, लेकिन एंड ऑफ द डे सब लोग पे कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं ईवी मार्केट के बारे में भी डाटा आया है कि दोस्तों सदर्न स्टेट्स के अंदर ईवी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे, है ना। जो सेल हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा हो रही है, पेनिट्रेशन जैसे कि केरला और कर्नाटका के अंदर 1.9 और 1.1% है कंपैरेटिवली कंट्री में 0.8% के, ओके। तो केरला के अंदर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज 2% सबसे ज्यादा केरला में है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, ओके। वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस साल ऑलमोस्ट जो है ना ग्रोथ काफी अमेजिंग है, पहले 1000 व्हीकल बिके, फिर 5000, फिर 17000 और अभी इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में 29000 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि बिक चुके हैं। हमारे यहाँ पे एवरेज है 0.8% व्हीकल्स से अभी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अगर टू व्हीलर की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, और थ्री व्हीलर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली दोस्तों तीनों में काफी आगे है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर, तो दिल्ली के अंदर यानी कि अडॉप्टेशन काफी बेहतर है। एक नया रैंकिंग है जो कि आया है काफी टाइम बाद, एक अच्छी रैंकिंग के अंदर हमारे नंबर काफी अच्छा है जो कि है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कितना क्वालिटी है। तो दुनिया के 184 कंट्रीज का रैंक है जो कि यहाँ पे आया 2021 का, और उसके अंदर हम लोग दोस्तों 5th पोजिशन के ऊपर है जो कि देखने को मिले हैं, ठीक है गाइज। चलिए ओवरऑल QI सिस्टम जो रैंकिंग है उसके अंदर हम लोग 10th के ऊपर है, और अभी 2021 के अंदर हम लोग 5th पोजिशन के ऊपर है। एक्रेडिटेशन सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो ठीक है, एक्रेडिटेशन सिस्टम के अंदर हम लोग 5वें नंबर के ऊपर है, है ना। तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सी कंट्री कितने रैंकिंग के ऊपर है उसका डाटा है। देखो एक्रीडेशन के अंदर तो 5वें नंबर पर है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना तो हम लोग 10th नंबर पर है ओवरऑल QI सिस्टम के अंदर, क्वालिटी इंफ्रा के अंदर।
इसमें मेजरली जो कंट्रीज है वो यूरोपियन यूनियन की ही है ना, यूरोपियन कंट्रीज हैं इसके अंदर, और दुनिया के काफी, जैसे कि 10th पे हम लोग हैं, ब्राजील 13th पे, ऑस्ट्रेलिया 14th पे, टर्की 16th पे, और टॉप के सारे जो कंट्रीज है वो यूरोप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो भी आपने जो भी इंफ्रा बना हुआ है ना, जैसे कि रोड है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जो इंफ्रा सरकार के द्वारा बनाया जाता है। रिसेंटली कल नितिन गडकरी जी के द्वारा ये ट्वीट भी किया गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है जिसका लॉन्गेस्ट ई वे है जो कि बताया गया है अभी तक का। ओके, चलिए, शायद इन्होंने हमारे हाईवेज का क्वालिटी तो देखा है, वो तो अच्छा है खैर, लेकिन जो लोकल रोड्स हैं उनकी क्वालिटी चेक नहीं करी है, वो बहुत ही खतरनाक है। कई बार तो खड्डों में रोड है कि रोड में खड्डे हैं समझ में नहीं आता। अभी लेकिन काफ़ी बेटर हो गया है पहले से, है ना, नितिन गडकरी काफ़ी बेटर मिनिस्टर है अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, काफ़ी सही काम किया उन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अभी रिसेंटली दोस्तों T20 वुमेन वर्ल्ड कप भी जो है वो स्टार्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, है ना, अभी टूर्नामेंट होगा उसके अंदर देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 5 बार जीत चुका है, इंडिया भी इस बार काफी अच्छा जो है मजबूत दावेदार है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे बात करते हैं कार टी सेल थेरेपी के बारे में। देखो ये जो थेरेपी है ना ये कैंसर को लेकर है। देखो क्या होता है कि जो कैंसर के अंदर है ना, 3 प्रकार से दोस्तों ट्रीटमेंट होता है। एक तो एक पहले होती है जनरल थेरेपी, फिर होती है आपकी रेडियोथेरेपी, फिर होती है एक सिस्टमेटिक थेरेपी, समझ गए, 3 तरीके की थेरेपीज होती है कैंसर के अंदर। अब रेडियोथेरेपी के बाद में जब सिस्टमेटिक थेरेपी होती है ना, इसमें आपकी कीमोथेरेपी होती है और एक इम्यूनोथेरेपी भी होती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो अभी क्या हुआ है कि जो कार टी सेल थेरेपी है ना, ये सिस्टमेटिक थेरेपी के अंदर इंक्लूड करी गई है ताकि एक बेटर इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि अवेलेबल करवा सके, समझ गए मेरी बात। अब इसके अंदर होगा क्या कि आपकी बॉडी से टी सेल को निकाला जाएगा, ब्लड निकाला जाएगा पेशेंट की बॉडी से, टी सेल हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना। टी सेल के अंदर क्या एक जीन है जो कि कार टी सेल का लैब के अंदर इनको डेवलप किया जाएगा, मिलियंस ऑफ कार टी सेल है जो कि डेवलप करे जाएंगे, है ना, एक प्रोटीन के साथ में अटैच करके। टी सेल जो है वो पेशेंट के ब्लड से लिए जाएंगे और एक जीन जो है स्पेशल रिसेप्टर जो कि बाइंड करता है प्रोटीन को कैंसर सेल से, वो लिया जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर और उसके बाद बॉडी में वापस चला जाएगा। तो होगा क्या कि जो एक स्पेसिफिक एरिया है ना जहां पे कैंसर सेल बहुत ज्यादा है, वहां पे जाके सीधे अटैक करेगा और वहां पे इम्यूनिटी को डेवलप करेगा और उनको आगे बढ़ने से रोकेगा, समझ गए। तो ये नई टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर काफी अच्छी आशंका है, जिससे कैंसर में काफी हेल्प मिलेगी, है ना। एक टारगेट एजेंट के ऊपर इसको काफी अच्छे से यूज किया जाएगा, पेशेंट का इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। इसको लिविंग ड्रग भी दोस्तों नाम है जो कि दिया गया है, समझ गए। पहला सक्सेसफुल ट्रायल 10 साल पहले किया गया था इंडिया में, 2021 के अंदर किया गया। मेजरली जो लुकमेनिया के पेशेंट्स हैं, लैम्फोमेस के पेशेंट्स हैं, जो मतलब 2 प्रकार के जो आपके कैंसर है, है ना, लुकमेनिया वाला और लैम्फोमास वाला, इनके अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी के अंदर इतने इफेक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ पे दोस्तों जो चैलेंज है वो इसका कॉस्ट और इसका वैल्यू, ओके, ये 2 चैलेंजेस हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टी सेल दोस्तों आपको मालूम है, देखो हमारे ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो WBC है ना, इसमें हमारे कई प्रकार के सेल्स होते हैं, इसमें लेम्फोसाइट्स होता है, ये ही होते हैं दोस्तों टी सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आता है तो उससे लड़ने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि हमारी बॉडी के अच्छे वाले सेल और जो हमारे बाहर से वायरस आता है, दोनों के बीच में फाइट होती है, है ना। अगर आप अच्छी डाइट रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपके उस वायरस बैक्टीरिया को बीट कर देगा आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम। और अगर आप वही है फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में फिर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगी, तो बाहर वाले बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी को क्या कर देंगे, बीट कर देंगे और आपको इन्फेक्ट कर देंगे, ओके। चलिए, गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी इस चीज की कैंसर को लेकर। चलिए, अभी रिसेंटली दोस्तों हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है उन्होंने एक बात बोली है कि हम लोग कई सारे जो हमारे विदेशों में हमारे जो कल्चर सेंटर बने हुए हैं, कई सारे देशों में हमारे कल्चर सेंटर काम करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि ये बता सके दुनिया को कि वी आर द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, ओके। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब आप सभी को मालूम है, एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन NCERT में दे रखी है, इब्राहिम लिंकन के द्वारा कही गई थी, हालांकि इब्राहिम लिंकन ने इसको कोट किया था, कही तो किसी और ने थी वैसे, एक्चुअली नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी और ने बोली थी, लेकिन फेमस इब्राहिम लिंकन है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा चुने गए, जनता के लिए और किसके लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से ही चुने गए,
उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस सुप्रीम जो है वो जनता के पास में होती है। ग्रीक वर्ड है रूल ऑफ द पीपल, इसका मतलब होता है दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप डायरेक्टली चुनते हो, है ना, सिटीजन डायरेक्टली चुनते हैं, पॉलिटिकल कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जनता चुनती है उस डिसीजन को। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप अपने लोग चुनते हो, फिर वो डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा देश में, हमारे यहाँ पे जैसे होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता ही जो क्या करती है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वोट करती है। ओके, एशियन टाइम में ऐसा ही हुआ करता था, एशियन टाइम में समिति थी, सभा थी, गणराज्य थे, उस टाइम पे ऐसे लोग अपने आप आके रिप्रेजेंटेशन है जो कि किया करते थे। मॉडर्न एरिया के अंदर दोस्तों प्रोग्रेसिवनेस बढ़ गई है, सेकुलरिज्म हो गया है, तो ये सारे डेमोक्रेसी के पार्ट है जो कि बन चुके हैं। ठीक है गाइज, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में हम ही है। क्या होता है फीचर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है ना, क्या रिपोर्टिंग होती है, जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, सबसे ऊपर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। आज के टाइम पे जो चैलेंजेस है वो है कि भाई पॉलिटिक्स जो है वो क्रिमिनलाइज हो गई है, सोसाइटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गई है, और इलिटरेसी कारण करप्शन है, पॉवर्टी है, और ये जो बहुत सारे कम्युनल वायलेंस और ये सब, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक नई रिपोर्ट है जो कि NCAER के द्वारा दी गई है, किसको लेकर, मशीनरी इंडस्ट्री को लेकर। हमारे फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मशीनें काम में ली जाती है, तो हम चाहते हैं कि वो खुद हम लोग प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें, है ना। तो ये रिपोर्ट है जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा दी गई है, उन्होंने बोला है कि हमें इस सेक्टर के अंदर काम करने की जरूरत है और हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, ओके, ताकि क्या कर सके हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सके और हमारे यहाँ पर भी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे फार्म मशीनरी की, डिमांड भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि किसानों की इनकम बहुत कम है, हम लोग ऑलरेडी डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, और हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, हमें लोकल इनोवेशन को करेज करने की जरूरत है, इनकरेज करने की, और लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एक्सपोर्ट का विजन होना चाहिए, ये चीज़ों से हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आज की लास्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस, रिसेंटली 5वीं ये कांग्रेस है जो कि अभी रिसेंटली कनाडा के अंदर हुई है, जहाँ पे जो मरीन एनवायरनमेंट होता है ना हमारा कोस्टल एरिया, उसके आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, समझ गए मेरी बात। तो अभी रिसेंटली जो कॉप सबमिट हुआ था कनाडा के अंदर, जिसमें बोला था 30:30, याद है आपको, कि 30% अर्थ का जो लैंड है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे 2030 तक। 15वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 में, उसके अंदर ये बात करी गई। तो अब इसमें क्या है कि 70% जो है ना हमारे दुनिया में जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वो अंडर फंडेड है, वहाँ पे पैसा ही नहीं है वहाँ पे उस एरिया को ध्यान रखने के लिए, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी बहुत है। ओके, यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमारे ओशंस को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल फिशरीज होने की ज़रूरत है। इस एरिया में ऐसा नहीं है कि फिशिंग अलाउ नहीं होती है, बिजनेस अलाउ नहीं होता, अलाउ होता है लेकिन लिमिटेड होता है, आप बहुत ज़्यादा इंफ्रा एक्टिविटीज जो कि इस एरिया के अंदर नहीं कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, रिसर्च और एजुकेशन के लिए अलाउ होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट आप उठा सकते हो। कई जगह पे इसके बारे में कन्वेंशन और एग्रीमेंट है जो कि करे गए हैं, EU हैबिटेट डायरेक्टिव्स हैं, CCAMLR है, कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, तो अंटार्कटिका के आसपास का जो एरिया है उसको ये देखता है। साइट्स के अंदर बात करी गई है UNEP के अंदर, है ना, बर्न कन्वेंशन है 1979 में फॉर्मुलेट किया गया। ओके, इस तरीके से कई सारे कन्वेंशन ट्रीटीज है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है। हमारे यहाँ पर भी दोस्तों 33 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो है हमने एरिया को MPA एरिया है जो कि डेजिग्नेट कर रखा है। मरीन नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, गल्फ ऑफ कच्छ में भितरकनिका नेशनल पार्क, तो हमारे यहाँ पे मेजरली जो नेशनल पार्क है ना कोस्टल एरिया पे उसको हमने MPA है जो कि डेजिग्नेट ऑलरेडी कर रखा है। तो 4% से भी कम हमारे यहाँ पे टोटल एरिया है जो कि MPA के अंदर कवरेज के अंदर है, ये आप देख सकते हो, ये सारे एरियाज हैं जिसको हमने MPA कवर कर रखा है। ठीक है, भितरकनिका हो गया, ये वाले एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार, काला नदी और गल्फ ऑफ कच्छ, ये सारा एरिया जो ग्रीन में आपको येलो में नजर आ रहा है ये सारा एरिया है। ठीक है गाइज, चलिए, तो इसके अंदर क्या होता है कि आसपास के मरीन एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखने की कोशिश करी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, इसके बारे में पेपर में पूछेंगे क्योंकि ये जो अलायंस है वो इंडिया के द्वारा किया गया है, GIBA इसको शॉर्ट में कहते हैं,
अभी रिसेंटली इंडिया एनर्जी वीक हुआ है बेंगलुरु के अंदर, तो वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज मिलकर क्या करें, हम इथेनॉल के ऊपर काम करें। E20 हमने लॉन्च किया है। तो बायोफ्यूल सॉलिड लिक्विड या गैस के द्वारा फ्यूल है जो कि बनाया जाता है बायो इथेनॉल के द्वारा। चारकोल, कॉर्न, राइस, किसी से भी आप बायो इथेनॉल को बना सकते हो, उसको पेट्रोल में यूज कर सकते हो, ताकि इंपोर्ट बिल भी सभी का कम हो और हमारे एनर्जी क्लाइमेट के अंदर भी बेनिफिट मिले, पॉल्यूशन भी नहीं हो। तो इसको लेकर हमने GIBA एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, डेली के 5 वोकैबुलरीज की बात करें, आज के 5 वोकैबुलरी जो दहिंदू में है, एक वर्ड है ट्विक, किसी भी चीज को ट्विस्ट करना। इनसॉर्मोंटेबल यानी कि कोई भी चीज जो कि बहुत ही मुश्किल हो, जिसको जीता ना जा सके, है ना, इनसॉर्मोंटेबल। कोएर्शन का मतलब है जोर जबरदस्ती से कोई काम करवाना। इंट्रूजन का मतलब है इन्वेजन करना, घुसपैठ करना। और एस्पानेज का मतलब है एस्पानाज, सर्विलियंस करना, है ना, ध्यान रखना किसी की, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं Class 24 पे, सारे SSC के बैचेस हैं, KVS का है, URO का है, ALP का है, राजस्थान के सारे एग्जाम हैं, उनका Class 24 पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो आप JRF अड्डा से कर सकते हैं। आपको Class 24 ऐप डाउनलोड करनी है, जो भी एग्जाम है, राजस्थान के एग्जाम है या फिर आपके SSC के है, जो भी एग्जाम है वो सेलेक्ट करिए, प्रिपरेशन में जाइए, आपको सारे कोर्सेज है जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आज का पहला सवाल है जो कि आपको बताना है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हमारे इंडिया में कौन से हैं? पुलिकट लेक, गल्फ सुंदरबन, कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार। तो चारों ही नाम दोस्तों काफी फेमस है, तो 4 आपका डी आपका सही आंसर है। ये सारे के सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, आप देख सकते हैं, है ना, मेजरली सारे नेशनल पार्क हैं। चलिए, एक नई स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई थी, अगर कोई भी डिस्प्यूट है जो कि सेटलमेंट को लेकर होता है तो उसका क्या नाम है, विवाद से विश्वास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन टारगेट RBI सेट करता है, पहला स्टेटमेंट। WPI से दोस्तों हम लोग हमारी महंगाई को देखते हैं, और इंडिया ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है जो कि अडॉप्ट कर रखा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, इन्फ्लेशन टारगेट कभी भी RBI सेट नहीं करता है, गवर्नमेंट सेट करती है। RBI तो उसको मॉनिटरिंग करता है और उसको इंप्लीमेंट करता है, पहला गलत हो गया। WPI हमारा मेजर नहीं होता इन्फ्लेशन का, महंगाई का CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। हमें मतलब है हमारे पास कितने रुपए के अंदर चीज पहुंच रही है, होलसेलर के पास कितने में पहुंच रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। महंगाई का मतलब है आपके पास, तो ये भी गलत हो गया। तो थर्ड बिल्कुल सही है, 4 ± 2% हमारा इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। तो आपका आंसर यहां पे बी कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, RBI की मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में, RBI रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टारगेट को मीट करने के लिए, 4 ± 2 टारगेट, है ना। इनकेस ऑफ फेलियर टू मेंटेन द टारगेट 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर, अगर RBI 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक नहीं मेंटेन कर पाता तो RBI गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है। तो देखो, रिसेशन की जो कंडीशन होती है वो होती है जब 3 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ हो, है ना, और ये कॉन्सिक्यूटिव 4 नहीं 3 कॉन्सिक्यूटिव होता है। तो आपका गलत हो गया सेकेंड, ये गलत। RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन करने के लिए, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही आंसर होना चाहिए, सही है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है आपको कहाँ पे, राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।